हमने आपको पढ़ाया था पूर्णांक, क्या पढ़ाया था? पूर्णांक। अब पूर्णांक में हमने एक चीज आपको बताई कि चिन्हों की गुना हम कैसे करते हैं, चिन्हों की गुना कैसे करते हैं, बताया था जी। अब उस चिन्हों की गुना को हम क्या करेंगे, एक मॉडल के द्वारा, क्या करेंगे हम, एक मॉडल के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे हम चिन्हों की गुना करते हैं। पहले हम बोर्ड में समझाते हैं, जैसे प्लस की अगर प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो क्या आता है प्लस, और प्लस और माइनस की अगर गुना करते हैं तो क्या आता है माइनस, माइनस की और प्लस की अगर गुना करते हैं तो माइनस, और माइनस और माइनस की अगर गुना करते हैं तो क्या आता है प्लस, प्लस आता है। अब इसी चिन्हों को या इन्हीं चिन्हों को हम क्या करते हैं, एक मॉडल द्वारा देखते हैं। तो देखो अब हम मॉडल की सहायता से चिन्हों की गुना करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस और प्लस, और बीच में किसका चिन्ह लगा है, गुणा का, और यहाँ क्या लगा है बराबर, मतलब प्लस और प्लस की अगर गुना करते हैं तो बराबर क्या आता है प्लस, क्या आता है प्लस। इस तरह से हम मॉडल्स के माध्यम से चिन्हों की गुना कर सकते हैं। अब क्या है प्लस और माइनस की गुना करते हैं तो क्या आता है माइनस। इसके बाद क्या चिन्ह आया माइनस की गुना किससे कर रहे हैं प्लस, तो क्या आता है माइनस, माइनस आता है। इसके बाद माइनस और माइनस की गुना करते हैं तो क्या आता है प्लस, प्लस आता है। अब हम पूर्णांकों की गुना करेंगे। क्या लिखा है सात की गुना किससे हो रही है तीन, मतलब प्लस का सात है और प्लस का ही तीन है, तो क्या आ रहा है सात या इक्कीस, क्या आएगा इक्कीस आएगा। और प्लस का आठ है जी। और किससे गुना कर रहे हैं माइनस के चार से, तो क्या आता है माइनस का बत्तीस आता है। इसी प्रकार माइनस का नौ और प्लस का छह की गुना करते हैं तो क्या आएगा माइनस का चौवन आता है। और फिर माइनस का छह और माइनस का पांच जब दोनों की गुना करते हैं तो क्या आता है प्लस का तीस आता है। तो इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया माइनस का प्लस का नौ और माइनस का नौ, तो क्या आता है माइनस का इक्यासी, यानी कि इससे हम वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नौ का वर्ग कितना होता है इक्यासी, क्या होता है इक्यासी। तो इस मॉडल से हम अपने चिन्हों की गुना को आसानी से याद कर सकते हैं। समझ में आया सबके जी? तो कर सकते हैं इस तरह से आसानी से याद जी। सब लोगों को अच्छा लगा जी? तो अब तुम लोग चिन्हों की गुना आसानी से कर लोगे जी? ठीक।